आज के दिन त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत है। इसी एक एकादशी का व्रत करने से ये मोक्ष दे देती है। कहते हैं कि एक ही दिन में अगर एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का योग हो तो उसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। लिखा है 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक ये फलदायिनी है और करोड़ों यज्ञ तप दान से भी यह अधिक शक्तिशाली है। त्रिस्पर्शा एकादशी का महत्व और पूजा विधि। त्रिस्पर्शा एकादशी व्रत 1000 एकादशी के उपवास के बराबर पुण्य प्रदान कर सकती है। जो इस दिन व्रत करता है उसे बहुत लाभ प्राप्त होता है। पद्म पुराण में देवऋषि नारद जी भगवान शिव से निवेदन करते हैं, हे सर्वशक्तिमान, कृपया त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत का वर्णन करें, जिसे सुनकर कोई भी संसार से अंतिम मुक्ति प्राप्त करे। कहा गया है कि इस दिन उपवास करने से व्यक्ति को मोक्ष प्रदान होता है। 1000 अश्वमेघ संस्कार और 100 वाजपेयी संस्कार करने का पुण्य प्रदान करते हैं। जो इस व्रत को करते हैं वो अपने पिता के वंश, माता के वंश और पत्नी के वंश के साथ विष्णु लोक में स्थापित होते हैं। इस व्रत के दौरान हर किसी को 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करना चाहिए। जो इस व्रत को करता है वह सभी धार्मिक व्रतों के फल का भोगी बन जाता है। त्रिस्पर्शा एकादशी की पूजा विधि। त्रिस्पर्शा एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करके साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। प्रातःकाल भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन उपवास करने की परंपरा है। यदि कोई फलाहार करने में सक्षम ना हो तो आंशिक उपवास भी कर सकते हैं। मेरी ये बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।